Hi guys, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग सो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं करने गार्डन शॉपिंग येस गाइज यहाँ जयपुर के अंदर बहुत बढ़िया मौसम हो चुका है मानसून आ चुके हैं और ये बेस्ट टाइम है पता है प्लांट्स लगाने का पता है मैं क्या लेने जा रही हूँ मैं लेने जा रही हूँ रोजेज क्यों ये देखो ये जो आपको क्यारी दिख रही है ना ये पूरी की पूरी खाली और जिन्होंने भी मेरा गार्डन टूर व्लाग देखा है वो जानते हैं कि यहाँ पे जो रोजेस लगे हुए थे वो सारे के सारे बंदर ले जा चुके हैं यहाँ पे लगे हैं मेरे पास रोजेस बट वो जो क्यारी खाली ना अच्छी नहीं लगती तो चलो रोज़ेस लेने चलते हैं सो लेट्स गो सो गाइस हम निकल चुके हैं नर्सरी की तरफ और मैं ना पूरी तैयारी के साथ निकली हुई है दिख रहा है यहाँ रखा है अमेजोन का खाली डब्बा जिसके अंदर मैं रख के लाऊंगी रोजेस क्योंकि क्या होता है ना जब गाड़ी चलती है ना तो ये जो प्लांट्स है ना इधर उधर तो लुढ़क जाते हैं और बहुत सारी मिट्टी गिर जाती आ? है जिसको साफ करने में बड़ी मेहनत लगती है सो so इसके अंदर ना रख के लाऊंगी फर्स्ट सेफ्टी एंड भाई जयपुर का मौसम आज इतना सुहाना हो रहा है इतनी बारिश हुई है सुबह से दिखाऊँ कैसा लग रहा है हमारा जयपुर चुका तो अब मैं पहुंच चुकी हूं नर्सरी और एक गवर्नमेंट नर्सरी है जहां पे ना प्लांट्स बड़े सस्ते सस्ते मिलते हैं और ये नर्सरी नाहरगढ़ के पास है तो चलो अब अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि यहां पे क्या क्या प्लांट्स मिलने वाले मुझे आई एम वेरी एक्साइटेड आ जाओ आ जाओ गाइस नर्सरी में एंटर करते ना अरे यार तो बहुत सारा पानी टपक गया यहाँ देखो क्या दिखा ये लगा है कितना बड़ा एलोवेरा का पेड़ गॉड जरा छू के देखो पत्तिया कैसी है? Oh God, no. वैसे इसकी पत्तियां पत्तियां बड़ी जो ये बड़ी पतली पतली आई थी इसके अंदर जो एलोवेरा जेल होता है ना वो नहीं है आई डोंट थिंक मेरे काम का है वैसे एलोवेरा जेल ना स्किन के बहुत काम आता है बालों के भी देखते हैं अच्छा वाला दिखेगा तो लेके चलूंगी आप भाई आगे चलते हैं बाय गॉड ये नर्सरी इतनी बड़ी है ना और अभी तक एक आदमी मुझे यहाँ नहीं दिखा मुझे डर और लग रहा था कि मैं इतनी बड़ी नर्सरी में ना अकेले ही घूम रही हूँ पर अब वहाँ पे कोई जन मुझे दिखा है तो चलो उनसे बात करते हैं प्लांट्स के बारे में तो गाइस यहाँ पे ना मैं पहुँच चुकी हूँ इनके प्लांट वाले सेक्शन में जहाँ पे आपको पौध मिलती हैं इतनी बड़ी है आई टेल यू इन नर्सरी कि मैं लॉस्ट ही हो सकती हूँ यहाँ पे बट सबसे पहले मेरी नजर गई ये देखिए ये छोटू छोटू से कैक्टस ये देख रहे हैं आउच। <laughs> काटे में ये ज्यादा नहीं छूंगी नहीं तो कांटे लग जाएंगे और उसके साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे हैं मुझे चंपा के पेड़ भी ये मेरे घर पे लगे हुए हैं वो जो वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं ना ये चंपा के फूलों की ना स्मेल बहुत ही अमेजिंग होती है यहाँ चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे से प्लांट्स दिख रहे हैं चलो अब आगे दिखाती हूँ और क्या क्या प्लांट्स हैं इनके पास अच्छा अच्छा चढ़े भाई ऊपर ऐसा लग रहा है गाँव में आ गई हूँ तो ये है पेंजी जिसका हम लोग हेज बनाते हैं ना कभी आपने ये पेंजी वाली हेज लगाई है अपने गार्डन के अंदर इसकी लीव्स मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्पल कलर की होती है और ये जो बड़ा वाला पेड़ है ना ये है बैम्बू ट्री <laughs> जिसको ना मैं लेने वाली नहीं <laughs> मैं ढूंढ रही हूँ रोजेज जल्दी से ढूंढती हूँ कहाँ पे है रोज और एक और छोटा सा पेड़ दिखाया मुझे देखो ये वो है ना टच मी नॉट आई थिंक वो ये झूक देखती हूँ टच मी नॉट है कि नहीं इसको बोलते छुई मुई का पेड़ अरे बंद हो जाओ आ, आ, नहीं है यहाँ मेरा के, ये छुई मुई का पेड़ नहीं था ये कोई और पेड़ है चलो छुई मुई नहीं है कोई बात नहीं अगर होगा तो देखते हैं अब रोजेस देखते हैं कहाँ पे आ जाओ जाओ रोजेज मिल गए ये देखो ये है छोटे छोटे से रोजेज और भाई बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि ये जो है ना आधे गिर पड़ से गए हैं बट कोई बात नहीं मैं अपनी मेहनत से इनको खड़ा करूँगी और इसमें रोजेज उगाऊंगी बट ये जो है वो कलमे वाले रोजेज हैं अब देखते हैं जरा वो बड़े वाले रोजेज के पेड़ का है चलो भी ढूंढने का है ये दिख गए मुझे वाइट रोजेज ये देखो बारिश में बेचारों का हाल जो है बेहाल हो गया ये देखो बेचारे कैसे हो गए ये देख रहे हो अरे यहाँ दिखा रही हूँ मैं ये देखिए रोजेज कैसे हो गए बेचारे आधे टूट फूट से गए बट ये जो है ना ये पेड़ जो है ये बड़े वाले पेड़ हैं कलमे वाले पेड़ नहीं है तो आई थिंक आई अलबाई दीज सी क्या लेके जाती हूँ मैं सो so गाय मुझे चुई बुई का पेड़ दिख गया वहां पट हुआ यहाँ नहीं होगा ये देखिए आहा ये देखो उंगली लगाती है ना ये ये और देखो और देखो आए हाय भाई ये जो छुईमुई का पेड़ है ना बड़ा ही क्यूट सा मैं भी वैसे छुईमुई सी हूँ पर अगर कोई हाथ लगाएगा तो मैं ऐसे बंद नहीं हो जाऊंगी इसकी तरह मुझे वाला पेड़ बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे लगे हुए हैं ये पपीते के पेड़ बट मैं पपीते के पेड़ नहीं खरीदूंगी मेरा इतने सारे लगे इतने पपीते आते थे एक भी आज तक खाने को नहीं मिला सारे के सारे ना बंदर खा जाते हैं पता नहीं बंदर को पपीता कितना पसंद है वैसे एक हैरानी वाली बात पता है क्या आप यहाँ से कोई भी पेड़ ले लीजिए चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसकी प्राइस है फिफ्टीन रुपीज पर प्लांट कैन यू इमेजिन है ना अमेजिंग सी बात कोई भी प्लांट ले लो सिर्फ पंद्रह रुपये का पड़ेगा आपको यहां पे बन रही है है मेरी चीज ये देखो कालू भैया जो है बना रहे हैं गर्मा गर्म चाय भैया हमें भी देंगे थोड़ी सी अरे वाह पे मुझे चाय पीने को मिलेगी पता है सुबह से निकली हूँ कुछ भी खाया पिया नहीं है सुबह हुई बारिश इतनी हो रही थी जल्दी जल्दी से मैं तैयार हो गई की ब्लॉग बनाना है अब ना पहली चाय नसीब होगी मुझे ये गाइस कालू भैया ने हमको दी है गर्मा गर्म चाय वो भी चूल्हे पे बनी थैंक यू सो मच और ये देखो ये लोग शर्मा <laughs> शर्मा शर्मा ये पी रहे अपने स्टील के ग्लास में चाय भाई गर्मा गर्म अच्छा भैया ये बताइएगा कि नर्सरी कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है अच्छा दस से पाँच खुलती है भैया नर्सरी और दो बीघा है भाई ये नर्सरी पूरी जो दो बीघा में फैली हुई है मैं तो पूरी नहीं घूम पाऊंगी इतना नहीं चर सकती का और एक और जगह आपको दिखाती हूँ जहाँ पे आप बैठ के ना आराम से चाय पी सकते हैं और आप बहुत शर्मा रहे हो तो यहाँ पे जरा वो बाजरे बाजरे की रोटी भी बनाते हो क्या चूल्हे पे क्या बात है दाल घी और बाजरे की रोटी भाई मजा आ जाए या तो अगर खाना खाने को मिल जाए कोई बात नहीं चाय दे दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया सो so सुगैज यहाँ पे इतना सुंदर इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है मेरा मन कर रहा है ना मैं भी अपने गार्डन में कुछ कुछ ऐसे ही बना लूँ यहाँ पे आराम से बैठ के जो है ना आप चाय वाय पी सकते हैं और ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने जो है ये क्रोटन लगा रखा है और ये कलरफुल से पत्थर भी है मार्बल है <laughs> अब मैं अपनी जो है चाय आराम से बैठ के एंजॉय करती हूँ सो गाइज यहाँ पे ना ऐसी ऐसी टेढ़ी भागी है ये यहाँ पे मुझे दिखाई क्रोटन का पेड़ ये देखिए ऑल राइट right, ये देख रहे हैं कितना सुंदर है इसके अंदर ये देखिए ग्रीन कलर की और पर्पल कलर भी है इनके अंदर एक और है वहाँ पे ये देखो ये जो क्रोटन का पेड़ है कितना सुंदर है ना ओ माई गॉड <laughs> मुझे ये बापरे ये <laughs> कलरफुल से पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं अब डिसाइड करना जरा मुश्किल है कि क्या क्या लेके जाऊंगी मैं यहाँ से यहाँ पे ना शीशम के पेड़ भी मिल रहे हैं जो मैं लेने वाली नहीं हूँ क्योंकि शीशम के पेड़ों को बढ़ने के लिए लगते हैं दस पंद्रह साल उसके बाद उसकी लकड़ी ना फर्नीचर में काम आती है मुझे कोई फर्नीचर नहीं बनाना इसलिए मैं शीशम नहीं लूंगी आगे देखती हूं और क्या क्या है सो गाइज ये हमने ले लिए बहुत सारे प्लांट्स जहाँ पे मैंने एलोवेरा लिया है रोजेस लिए हैं क्रोटिन भी लिए हैं एंड यू यूट बिलीव ये जो रोजेस के पेड़ है ना मुझे पड़े हैं सिर्फ पाँच रुपए के अंदर अब जो मेहनत का काम है इस डब्बे को गाड़ी के अंदर तक पहुंचाना अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट फ्राइडे टिल स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग बाय